हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है और काफ़ी रैंडम वीडियो है वैसे ही है। सो अभी मैं अपने जो मेरा जो नया फ़ोन है अभी मैं उस पर व्लॉग कर रहा हूँ। तो ये है iPhone 12 Pro Max। इसको ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए जब से मैंने इसको ख़रीदा है और अभी तक मैंने एक भी वीडियो इस फ़ोन पे नहीं शूट की। ठीक है, तो आज सोचा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। और मैंने मास्क भी अभी इसलिए नहीं लगाया क्योंकि लिटरली यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है। तो आज की डेट है 9th of March और अभी बजे हैं दोपहर के 2। तभी लाइट भी काफ़ी ज़्यादा हार्श है। मुझे बेसिकली टाइम ही नहीं मिला। आप सब ने मशोबरा के वीडियोस तो देखे ही थे, तो टाइम ही नहीं मिला मैं इस फ़ोन से भी मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट करूँ, शूट करके देखूँ दैट इसकी कैसी कैपेबिलिटी है। मैं अगेंस्ट लाइट हूँ, मतलब धूप मेरे पीछे है और पीछे के जो कलर्स हैं वो भी आई थिंक काफ़ी वाइब्रेंट ही लग रहे हैं सो फार। और ये फ्रंट कैमरा है इस फ़ोन का, मतलब असली मज़ा तो वैसे इसके बैक कैमरा से आएगा। आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया वैसे मिल गया होगा दैट फुटेज कैसे लग रही है। अब क्या करूँगा दैट पीछे जो बिल्डिंग है उस पर मैं टैप करता हूँ और अब आप देख सकते हो। तो अभी मेरा फेस थोड़ा सा वैसे डार्क भी हो गया होगा और जो पीछे का जो एक्सपोजर है, एक्सपोजर मतलब जहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा मतलब पड़ रही है, तो आपने देखा था थोड़ी देर पहले मतलब दिख नहीं रहा था, बट अब वो क्लियरली वो भी दिख रहा है और फेस भी दिख रहा है। और जो धूप है वैसे ऊपर है, रुको थोड़ा सा मतलब समझाने के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग आज की वीडियो को मतलब फ्रंट कैमरा से ही बनाते हैं और थोड़ा बहुत आइडिया आप सबको भी मिल जाएगा। तो एक चीज़ है जो मतलब जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है इस फ़ोन की, वो है स्टेबलाइजेशन। अब आप देख रहे हो दैट मतलब मैं वॉक कर ही बात कर रहा हूँ और हाथ भी हिले जा रहा है और मैंने कोई भी इक्विपमेंट नहीं यूज़ करा है, मतलब सिर्फ फ़ोन ही है मेरे हाथ में, कोई भी स्टेबलाइज़र नहीं है जिसकी वजह से मतलब शॉट मतलब स्टेबल लग रहा है जो भी। और मैं आपको ये बता सकता हूँ दैट मेरा हाथ वैसे काफ़ी ज़्यादा हिल रहा है अभी, तो आप ही बताओ दैट शॉट कैसा लग रहा है, स्टेबल लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। और अभी मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ, तो इस वीडियो में बने रहो। और अब मैं निकालने वाला हूँ मेरा जो दूसरा फ़ोन है, जो कि ये iPhone 12 नहीं, ये कौन सा है, iPhone 12 से तो बना रहा हूँ, ये iPhone 8 Plus है। मतलब इतने दिन जो भी आपने वीडियोस मेरे चैनल पे देखे हैं वो इस फ़ोन से ही मैं बनाता था, यहाँ से ही बेसिकली व्लॉगिंग को अभी हमने शुरू किया था। तो ये आप देख सकते हो अभी स्काई का कलर एंड एवरीथिंग, और जो नेक्स्ट फुटेज है वो आप इस फ़ोन का देखोगे। सो नाउ आई स्विच टू माई प्रीवियस फ़ोन, ये है iPhone 8 Plus की फुटेज। तो इतने दिन जो भी मैं वीडियोज़ बनाता था मैं इस फ़ोन से बनाता था, तो देख सकते हो दैट कलर्स कैसे लग रहे हैं, बिल्डिंग है पीछे कैसी लग रही है, धूप है, स्काई है, मेरे टी शर्ट का कलर देखो, तो डिफरेंस आप सबको पता लग रहा होगा। मेरा हाथ भी वैसे काफ़ी दुख रहा है अभी और धूप काफ़ी तेज़ है क्योंकि अभी दोपहर के 2 बजे हैं। और थोड़ा बहुत आइडिया आप सबको मिल गया होगा दैट पीछे के जो कलर्स हैं आई थिंक उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस वैसे लग रहा होगा। और इसका जो माइक है, दोनों फ़ोन्स के माइक में क्या डिफरेंस लगा बताना मेरे को। और नॉइज़ वैसे है काफ़ी ज़्यादा बाहर, मतलब बसेज और बाइक वाइक चल रही हैं, तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको हो रहा होगा। इस फ़ोन की जो स्टेबलाइजेशन है एंड iPhone 12 Pro की जो स्टेबलाइजेशन है उसमें मतलब बहुत हेवी मतलब डिफरेंस एटलीस्ट मुझे तो लगा। तो इतने दिन से मैं इस फ़ोन से व्लॉग करता था और पीछे आप देख सकते हो दैट कितनी ज़्यादा मतलब लाइट है, एक्सपोजर है। तो जब मैं iPhone 12 Pro से शूट कर रहा था उसमें आपने देखा होगा दैट ये जो पीछे के जो ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं और ट्रीज़ हैं तो इनके कलर्स प्रॉपरली दिख रहे थे, बट जैसे ही मैं अगेंस्ट लाइट हुआ अब आप सबको मतलब डिफरेंस महसूस हो रहा होगा। तो यहाँ पे अगर मुझे ये कलर चाहिए तो मुझे स्क्रीन पर टैप करना पड़ेगा। ठीक है, अब आने लग गए ये भी, बट ये मैनुअली मुझे बार बार करना पड़ेगा, तो इसमें एक मतलब ये ड्रॉबैक तो है। और कब स्काई का कलर खुद से मतलब शिफ्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये एक समस्या है। सो ऑल दिस वाइल आप जो भी मेरे चैनल पे वीडियोस देखते थे, व्लॉग्स देखते थे, मैं इस फ़ोन से ही बनाता था और अभी लिटरली मेरा चेहरा दिख ही नहीं रहा, मैं अगेंस्ट लाइट हूँ और एकदम डार्क हो गया है। तो अब हम इस लोकेशन में ये लास्ट टेस्ट कर रहे हैं और रुको मैं स्काई पर क्लिक करता हूँ, हाँ कलर्स आ गए। तो ये लास्ट टेस्ट है इस लोकेशन में, फिर हम लोकेशन चेंज करने वाले हैं। तो आप सब बताना ठीक है दैट किसकी फुटेज ज़्यादा बेटर लगी। ऑब्वियसली iPhone 12 Pro की होगी क्योंकि वो एडवांस है, वो लेटेस्ट iPhone का मॉडल है और उसमें जो भी मतलब उन्होंने अपग्रेड और एडिशन किया है टेक्नोलॉजी में, तो उसमें वास्ट डिफरेंस तो होने ही वाला है।
तो दोस्तों अभी हम लोकेशन चेंज करने वाले हैं और जिस अनाउंसमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो मैं अभी बताता हूँ। तो ये है आईफोन 12 प्रो मैक्स का बैक कैमरा, बैक कैमरा की ये फुटेज है और ये इसका जो स्टैंडर्ड लेंस है ये उसकी क्वालिटी है। जो कलर्स है वो काफ़ी वाइब्रेंट है, इवन तो अभी दोपहर के 2:15 हो रहे हैं और लाइट काफ़ी ज़्यादा हार्श है, बट अभी आप सबको आइडिया मिल गया होगा दैट इसकी जो स्टेबलाइजेशन है और क्वालिटी है वो कैसी लग रही है। और इसको मैं 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे ही शूट कर रहा हूँ, मतलब हाँ ये थोड़ी सी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप सबको कभी किसी और वीडियो में बताऊँगा दैट क्या मतलब इसका मतलब क्या होता है। सो ये देखिए ज़रा, तो जो डेप्थ ऑफ फील्ड है मतलब जो पीछे मतलब देख रहे हो दैट ब्लर भी हो जाता है। तो ये आईफोन 12 प्रो मैक्स की फुटेज है और ये इसका जो जूम इन वाला लेंस है 2.5x, तो ये उसकी क्वालिटी है और ये है इसका सुपर वाइड। तो तीन लेंस में मैं शिफ्ट करता हूँ, तो ये है सबसे ज़्यादा मतलब जूम्ड इन 2.5x, ये हुआ 1x जो डिफ़ॉल्ट होता है और ये हुआ सुपर वाइड। अब तीनों जो कैमरा के लेंस हैं अभी हम लोग उनको स्विच करके देखेंगे। सो ये है सुपर वाइड, ये हुआ इसका जो डिफ़ॉल्ट लेंस, ये हुआ जूम, तो ये 2.5x है। और जो यहाँ का जो लॉन है यहाँ पे मतलब काफ़ी सुंदर सुंदर प्रिटी फ्लावर्स और ये सब है, तो ये 2.5x की क्वालिटी है। सो आई वॉज़ वेरी ईगर, मैं ये वीडियो बहुत टाइम से बनाना चाहता था। तो ये जो दोस्तों आप फुटेज देख रहे हो ये है आईफोन 12 प्रो मैक्स की फुटेज, एंड थोड़ी देर में मैं आप सबको आईफोन 8 प्लस की भी फुटेज दिखाने वाला हूँ। और ये है आईफोन 12 प्रो मैक्स की फुटेज, ये बैक कैमरा से कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले मैंने आप सबको फ्रंट कैमरा से दिखाया था और अब मैंने शिफ्ट कर लिया। बट इसमें प्रॉब्लम ये है दैट मैं अपने फेस को नहीं देख पा रहा और मतलब फ्रेम कैसा है, मतलब आसपास का और बैकग्राउंड का जो व्यू है वो कैसा लग रहा होगा। तो आई एम श्योर दैट जो डिफरेंस होगा फ्रंट और बैक कैमरा का वो मैसिव होने वाला है। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ आईफोन 8 प्लस, हाँ मतलब ये भी बुरा नहीं है, इसकी फुटेज भी मतलब काफ़ी अच्छी है। ऑल दिस वाइल मैं इसी से ही शूट करता था, तो जो ब्लर इफ़ेक्ट है और जो बैकग्राउंड है और जो कलर्स है वो आप सब देख सकते हो। सो बहुत मुझे जूम करना पड़ता है मतलब ऑल वरना इसके जो ट्रू कलर्स है मतलब वो वरना एक्सपोज शॉट आता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा बच्चों का क्यूट पार्क और यहाँ पे मतलब काफ़ी कलरफुल है, तो मैंने सोचा चलो यहाँ की फुटेज भी मैं आप सबको दिखा देता हूँ। तो ये है 12 प्रो मैक्स की फुटेज और ये है इसका सुपर वाइड कैमरा, तो थोड़ा बहुत आइडिया आप सबको और हो गया होगा। ये है 2.5x, ये 1x जो डिफ़ॉल्ट है और ये है सुपर वाइड। और ये जो फुटेज देख रहे हो ये है आईफोन 8 प्लस की, इसमें तो खैर अल्ट्रा वाइड का फीचर नहीं है, सिर्फ इसमें 2x है, फिर मैनुअली आप जितना जूम आप करना चाहो ये 6x तक है। दोस्तों जिस अनाउंसमेंट के बारे में मुझे बात करनी थी चलो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत मैं आप सबको अब बता देता हूँ। तो आप सब ने देखा दैट मशोबरा की जो ट्रैवल सीरीज़ है मतलब लास्ट वीक ही मैंने उसका लास्ट एपिसोड पोस्ट किया और वो सीरीज़ अब ख़त्म हो गई है। और उसके पहले मैंने महाराष्ट्र की सीरीज़ पोस्ट की थी, जस्ट इन केस अगर अभी तक आपने वो सीरीज़ के वीडियोज़ नहीं देखे वो आप सब ज़रूर देख लेना। और उसके पहले महाराष्ट्र से पहले एक ऑनगोइंग सीरीज़ थी जो कि मैंने अभी तक मतलब फिनिश नहीं की, उसके वीडियोस मतलब पेंडिंग ही रहे, जहाँ पे हम लोग चेन्नई में जाते हैं, चेन्नई कांचीपुरम और उसके बाद हमें पौंडीचेरी जाना था, करेक्ट। तो वो पेंडिंग वीडियोस है जो कि मैंने अभी तक अपने चैनल पे पोस्ट नहीं किए हैं। और रिसेंटली मतलब जनवरी में मैंने एक और एक साउथ का ट्रिप किया था, वो मतलब सबसे लेटेस्ट सीरीज़ है जहाँ पे हम लोग केरला जाते हैं और केरला के बाद हम और भी जगह जाते हैं, बट मैं वो डिस्क्लोज़ नहीं करने वाला, वो मतलब लॉन्ग ट्रिप था काफ़ी और वो भी एक ऑप्शन है। तो आप सब अब मुझे नीचे कमेंट में बताओ दैट मुझे क्या पौंडीचेरी वाली जो सीरीज़ है वो पहले पोस्ट करनी चाहिए या जो मेरे रिसेंट जो मेरा ट्रैवल था साउथ में, मतलब मैंने केरला बताया
केरला के बाद और भी कुछ लोकेशन है जहाँ पे हम लोग गए थे, तो मुझे वो केरला वाली सीरीज़ पहले पोस्ट करनी चाहिए क्या पॉन्डिचेरी वाली करनी चाहिए। सो, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताना, आपका जो फीडबैक है वो मेरे लिए मतलब काफ़ी वैल्यूएबल होगा। और अभी लाइट काफ़ी हार्श है, बहुत गर्मी है और ये मास्क लगाना पड़ रहा है क्योंकि मतलब हाँ चिल्ड्रन पार्क है तो थोड़ा सेफ्टी और प्रिकॉशंस ये भी माइंड में रखना चाहिए। और ये फुटेज आईफोन 12 प्रो मैक्स की है, हाउएवर मैं अभी एक पेड़ का मतलब शेड ही है यहाँ बैठ गया हूँ और जो पीछे कलर्स है वो उसका भी आइडिया आप सबको हो गया होगा। और ये दोनों फ़ोन जो है जो मतलब मैं यूज़ करता हूँ ये दोनों ही काफ़ी हैवी है तो एक प्रॉब्लम हो जाती है मतलब जब हैंडल शूट करो मतलब हाथ पे रख के तो हाथ में दर्द होने लग जाता है। सो एनीवे पॉइंट पे आते हैं दैट अभी अपकमिंग ये दो सीरीज़ है मेरे पास जो मैं पोस्ट कर सकता हूँ। तो आप सब नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना दैट मुझे पहले पॉन्डिचेरी सीरीज़ के वीडियोस पोस्ट करने चाहिए या केरला सीरीज़ को करना चाहिए, ठीक है बताना, ठीक है। तो अब मैंने शिफ्ट कर लिया है मतलब इसका जो बैक कैमरा है उससे मैं अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अब हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आज की वीडियो काफ़ी मतलब रैंडम थी मैं जानता हूँ, इसका मतलब मेरे को बनाने का कोई भी प्लान नहीं था। मैं मतलब घर में नॉर्मली बस ऐसे ही बैठा था और मेरे को लगा दैट हाँ एटलीस्ट ये छोटी सी जो इन्फॉर्मेशन है और जो नया सीरीज स्टार्ट होने वाला है उसके पहले मैं आप सबको एक छोटा सा मतलब अपडेट मैं देता हूँ। तो ये है iPhone 12 Pro Max का बैक कैमरा जो इसका स्टैंडर्ड लेंस है, डिफ़ॉल्ट लेंस है, उससे मैं शूट कर रहा हूँ। और अब रुको अल्ट्रा वाइड भी दिखाता हूँ। और मैंने अब शिफ्ट कर लिया अल्ट्रा वाइड लेंस पे, तो अब आप देख सकते हो जो पीछे का जो व्यू है, बैकग्राउंड है, वो कितना वास्ट लग रहा है, वाइड लग रहा है और साथ में मेरा ये हाथ भी आ रहा होगा। तो इसके जो बैक कैमरा की जो कैपेबिलिटी है और जो परफॉर्मेंस है तो उसको हम डिटेल वे में हम लोग मतलब एक और एक वीडियो सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको मैं अच्छे से मतलब जो इसके फीचर्स हैं बैक कैमरा के और बैक कैमरा की जो क्वालिटी है वो मैं सेपरेट वीडियो में आप सबको दिखाऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही गाइस, मगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। नेक्स्ट टाइम प्लीज़ लुक आफ्टर योरसेल्फ, टेक केयर एंड आई विल सी यू ऑल वेरी सून। बाय।